नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। काजल सिंह की हत्या का आरोपी विजय प्रजापति एनकाउंटर में मारा गया। गोरखपुर की 17 साल की लड़की काजल सिंह की हत्या का आरोपी कुख्यात अपराधी विजय प्रजापति पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। विजय 1,00,000 का इनामी बदमाश था। गगाहा क्षेत्र के सोनबरसा में मुठभेड़ हुई। पुलिस से घिरता देख वो फायरिंग कर भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो वह मारा गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं विजय का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मौके से एक मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल भी बरामद किए गए। विजय के पास से CBI और हरियाणा पुलिस के फर्जी ID बरामद की गई। विजय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करीब 1.5 दर्जन केस दर्ज है। हत्या, लूट, फिरौती जैसे जघन्य अपराधों के केस दर्ज है। थाना गगहा में आज रात्रि में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पार्टी ने 2 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस पार्टी पर बदमाशों द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी और एक मौके से भागने में कामयाब रहा। जो बदमाश को गोली लगी उसे अस्पताल लाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित किया गया है। इसकी शिनाख्त विजय के रूप में हुई है, जो कि थाना गगहा का ही रहने वाला है और एक बालिका की इसने कुछ दिन पूर्व गोली मारकर हत्या की थी। ये 1,00,000 का इनामी अपराधी है, जो हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। ये मुकदमे लूट, हत्या का प्रयास और रंगदारी मांगने के हैं और ये देहरादून, बाराबंकी और गोरखपुर के कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल इसका शव कब्जे में लिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अन्य फरार अभियुक्त की भी कार्रवाई की जाएगी।